जय गो माता की, जय गोपाल। कल 7 अक्टूबर 2022 को सूचना मिली कि गंगा शहर में गौतम चौक के पास एक विदेशी वंश 2-3 दिनों से बैठा हुआ है और पीछे घाव भी पड़ा हुआ है। तो तुरंत प्रभाव से हमारी टीम वहाँ पहुँची और इलाज शुरू किया। तो देखा तो 2 दिन से एक जगह पर बैठी थी, ना खाने को चारा था, ना पीने को पानी था, और पीछे ये घाव, और घाव में सैकड़ों की तादाद में कीड़े खा रहे थे। इससे हालात बुरे और क्या हो सकते हैं। वहाँ पर तुरंत पहुँच कर इलाज शुरू किया। इलाज शुरू करते देखा कि गांव में सैकड़ों कीड़े पड़े हुए थे, तो तुरंत प्रभाव से कीड़े निकालने शुरू किए। एक एक चुन चुन कर कीड़े बाहर निकाले ताकि गौवंश को आराम मिले। कीड़े निकालने शुरू किए तो पता चला कि सैकड़ों की तादाद में कीड़े हैं। वो पीछे देख सकते हो 2-3 दिनों से एक जगह बैठी है और पीछे गोबर एक इकट्ठा हुआ रखा है। इससे पता चलता है कि गौवंश लगभग 2-3 दिनों से वहीं बैठा है। ना पानी था पीने के लिए, ना खाने को चारा था, भूख से इधर तड़प रही है और पीछे घाव में कीड़े खा रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। देखो अभी ये आप कीड़े दिखाई दे रहे हैं, देखो ये कीड़े जिंदगी गौवंश को खा रहे हैं। कितना दर्द होता होगा गौवंश को, क्योंकि अपने शरीर पर एक कीड़ी चलती है, या एक कीड़ी, या एक मक्खी खाती है, या एक मच्छर खाता है, तो कितना दर्द होता है। तो इस गांव में सैकड़ों की तादाद में कीड़े थे, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि गौवंश को कितना दर्द हो रखा होगा। आपको मक्खी या मच्छर या कीड़ी खाती है तो आप बोल सकते हो, ये गौवंश बोल भी नहीं सकते हैं। अगर बोले तो ये सबसे बोल कर अपना दर्द बयान करें। कीड़े निकालने के बाद अब अपन ट्यूब लगा रहे हैं ताकि घाव बढ़ जाए। घाव बढ़ जाए और कीड़े भी नहीं पड़े, तो अपने ट्यूब लगाई ऊपर। कीड़े निकालने के बाद अच्छे से ड्रेसिंग करने के बाद ताकि कीड़े वापस नहीं पड़े और घाव भी आसानी से भर जाए। अच्छे से ड्रेसिंग करने के बाद और ट्यूब लगाने के बाद अब गौवंश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गौवंश 2-3 दिनों से एक जगह पर बैठा था, पैर तो वैसे भी जाम हो रखे थे, ताकि 2-3 दिन बैठने के बाद वापस ऐसे नहीं गए जिंदगी भर गौवंश चलने में असमर्थ होते हैं। इसलिए 2 बड़े लेकर आए। बड़े लाने के बाद गौवंश के नीचे डाले हैं ताकि गौवंश को खड़ा कर सकें। 9-10 गौभक्तों ने मिलकर कोशिश करने स्टार्ट कर दी। बड़े नीचे डाल रहे हैं गौवंश के ताकि आसानी से खड़ा कर सकें। सभी कोशिश कर रहे हैं, नीचे बड़े डाल रहे हैं ताकि गौवंश को खड़े करने में थोड़ा सपोर्ट दे सकें। देखो नीचे बड़े डाल रहे हैं सारे गोभक्त। अब सारे गोभक्त देख रहे हैं कि बराबर संख्या में हो जाए ताकि खड़ा करने में आसानी हो। एक पीछे पूंछ पकड़ लें ताकि गौवंश खड़ा आसानी से हो जाए। अब गौवंश को खड़ा करने जा रहे हैं। देखो ये गौवंश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो गौवंश थोड़ा सपोर्ट लगा था, गौवंश खड़ा हो गया। 5 मिनट तो बड़ों का सपोर्ट रखा था कि गौवंश वापस गिरे नहीं। अब गौवंश के पैरों में मालिश करेंगे ताकि जो जाम रुके हैं वो जाम खुल जाए और खून का बहाव अच्छे तरीके से हो जाए। ये गौभक्त सोच जी आगे वाले पैरों की मालिश कर रहे हैं। ये अकेले जी हैं, पीछे वाले पैरों में मालिश कर रहे हैं ताकि गौवंश आसानी से चल सकें। गौवंश के मालिश करने के बाद गौवंश को चलने में आसानी रहेगी और गौवंश को तुरंत ऊर्जा देने के लिए गुड़ का पानी और सेंधा नमक पिलाया जाए तो अच्छा रहता है, ग्लूकोज का कार्य करता है। अब गौभक्त अकेले जी और अशोक जी गुड़ को तोड़ रहे हैं और जेपी जी पानी में मिला रहे हैं। वो 3-4 बाल्टी गुड़ का पानी पिया था तो उससे क्या हुआ, तुरंत ऊर्जा मिल गई गौवंश को और चारे की भी व्यवस्था की थी। तो आप सभी से निवेदन है कि कहीं पर भी गौवंश बैठा हो, या 2-3 दिनों से बैठा हो, या भूख के कारण बैठा हो, या कमज़ोर हो, या बीमार हो, या एक्सीडेंट हो, तो आप सभी से यही निवेदन है कि अपने आसपास गौशाला या कोई एनजीओ या कोई सेवादार हो तो उन्हें सूचना जरूर दें और आप भी खुद मदद करें गौवंश को उचित स्थान पहुँचाने की, ताकि गौवंश का दर्द ना हो, ना गौवंश तड़पे भूख से। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर इस काम को या इस सेवा को आगे बढ़ाएं और ये गौवंश गुड़ का पानी पीते हुए
पीने के बाद तुरंत ऊर्जा मिल गई। याद मैं बाल्टी रख कर गाँव उसको गुड़ का पानी पिला रहे हैं, पीछे बच्चा जो गुड़ का पानी है। जय गो माता की, जय गोपाल।